स्वागत है आपका जैसी टेक में। आज मैं एक बहुत मस्त सा पोट्रोन का स्पीकर मंगाया हूँ। आपने थंबनेल देख कर के समझ ही गया होगा आप लोगों ने। तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसा होता है प्रोडक्ट और क्या होते हैं इसके फीचर्स, क्या होते हैं इसके पोर्ट्स वगैरह, सब चीज़ बताऊंगा आपको वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का पैकेजिंग में प्रोडक्ट आता है, आप देख सकते हो। तो चलिए इसे काटना शुरू करते हैं। बात कर ले इसकी पैकेजिंग का, तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी आती है, अब तो देख कर समझ ही गए होंगे आप लोग। और ये देखिए बबल रैप होकर के आया हुआ है। डब्बे करते हैं साइड, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। और देखिए ये टूगुड का स्ट्रैप लगा हुआ है इस पर, तो चलिए इसे भी कट कर लेते हैं। डब्बा थोड़ा पुराना सा लग रहा है दोस्तों, लेकिन मेन तो हमें प्रोडक्ट से मतलब है। अच्छा ऐसे करके लेने वाला था, काफी सही कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है इन लोगों ने। और ये डब्बे को करते हैं साइड। फटाफट से मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ आपको। फीचर्स की बात करें तो दोस्तों, इसमें एलईडी लाइट आपको दिखेगी ब्लू कलर की वो, और माइक्रो एसडी कार्ड का इसमें स्लॉट दिया हुआ है, और सीएनसी टेक्नोलॉजी है। म्यूजिक प्ले कर सकते हो, हाई परफॉर्मेंस ड्राइवर से इसके मतलब स्पीकर्स, और म्यूजिक मतलब फ़ोन से तुरंत ये कनेक्ट हो जाता है, वायरलेस स्पीकर वगैरह वगैरह, हाई परफॉर्मेंस कॉल कर सकते हो। और बात कर लें इसकी मेन हाइलाइटिंग स्पेसिफिकेशंस की, तो इसका आउटपुट पावर जो है स्पीकर का वो 3 वाट का है, और बैटरी जो है इसमें 400 mAh की बैटरी है, ठीक है, और 3.7 वोल्ट की मतलब इनपुट लेती है। और प्रोडक्ट का साइज बात करें तो ये देख लो आप, 17x42 mm का है। स्पीकर का वेट की बात करें तो थोड़ा हेवी साइड में रहा, ये 170 ग्राम का है। और म्यूजिक प्ले टाइम मतलब कि एक बार चार्ज करने पे 2.5 घंटे तक का ये चल जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आप प्रोडक्ट की ओर। वाह, देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। बात कर लेते हैं इसके डब्बे की, तो डब्बे में देखो कितना गंदा सा लग रहा है, और डब्बे में और कुछ भी होगा। अच्छा ये चार्जर भी दिए हैं शायद, और ऑफ केबल भी होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, देख लेते हैं। देख लेंगे इसका यूज़, ठीक है। तो चलिए, ये मतलब पहली बार मैंने देखा कि मतलब यूएसबी केबल के साथ ये ऑक्स टाइप केबल है और ये चार्ज टाइप है, तो देख लेते हैं। मे भी मुझे लग रहा है कि ये ऑक्स केबल ही होगा। और प्रोडक्ट का लुक की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो है ना लाइट पड़ते ही ये काफ़ी मेटल सा फिनिश देता है। क्रोम फिनिश इधर भी है और इस पर भी क्रोम फिनिश है। स्पीकर की मेटल की है ये, और ये भी मेटालिक है। और बात कर लें तो ये रबर का दिया हुआ है, एंटी स्किड है, मतलब रख दोगे तो इस फिसलेगा नहीं। और बाकी ये बटन्स हैं, पावर बटन, म्यूज़िक प्ले, म्यूज़िक पॉज, म्यूज़िक फॉरवर्ड। और पोर्ट्स की बात कर लें तो माइक्रो एसबी पोर्ट है यहाँ पे, ये एसडी कार्ड लगाने के लिए है, और ये माइक है यहाँ पे, आप फोन वोन भी रिसीव कर सकते हो। और ये रहा पावर बटन, ठीक है। तो पावर बटन को करते हैं ऑन। और मैं इसलिए इसे मंगाया हूँ क्योंकि मुझे इसका लाइट यहाँ पे जो जलता है ना एलईडी लाइट, काफ़ी कमाल का लगता है। देख लेते हैं, चार्ज है तो ऑन तो हो ही जाएगा। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड, पेयरिंग। देखिए दोस्तों, रखने पर काफ़ी कमाल का लग रहा है ये।
देखिए दोस्तों, इसमें ना आप जस्ट कनेक्शन करने के लिए बहुत सिंपल है, बस ब्लूटूथ ऑन करो। फोटोन के स्पीकर यहाँ पर दिख रहा है ऑल डिवाइसेस में, करते हैं इसको कनेक्ट। और कनेक्ट करने के बाद आपको इसका आवाज़ सुनाते हैं। दोस्तों बात करें इस केबल की, तो ये केबल चार्जिंग और प्लस ऑक्स जो केबल होता है दोनों का काम करता है, टू इन वन फंक्शन है इसका। मैंने इसे देखिए पावर बैंक में लगाया हुआ है, तो ये देखिए ऑरेंज कलर का एलईडी निकल रहा है, लाइट निकल रहा है इसमें से, तो ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब इसको ऑक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको चार्जिंग में लगाते हुए भी इसे फ़ोन से कनेक्ट करके बजा सकते हो, मतलब, और नहीं तो इसे कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पर लगा दिए उसके बाद उसको चार्ज 3.5 mm जैक वाले इसमें लगा दिए। ठीक है, तो वो है। और दूसरा कि इसमें FM रेडियो सिस्टम है, मतलब आपके पास फ़ोन नहीं है तो फिर इसको FM रेडियो सिस्टम में सुन सकते हो। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, अब बहुत सारे फीचर्स हैं। अब प्राइस की बात कर ले तो 617 रुपये में मुझे मिला था, और अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सुना दे दूँगा। और बात कर लें इसकी साउंड क्वालिटी का, तो चलिए आपको सुना देते हैं आपको साउंड। इसका काफ़ी कमाल का साउंड है, और 3 watt जो होता है ना, मतलब की आवाज़ से हिसाब से, मतलब थोड़ा आवाज़ मुझे कम लगा। जो मैंने मी की हुई है तो आप देख सकते हो वो 2 watt का है स्पीकर, और वो इतना कमाल आवाज़ कर रहा था। ये 3 watt का है, उतना एक्सपेक्टेशन से मतलब थोड़ा कम है, देख लेते हैं। दोस्तों आपको तो पता लग ही गया होगा कैसा है इसका आवाज़, मुझे तो ठीक ठाक लगा, मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंडेशन की बात करूँ तो मैं आपको वो MI का छोटा सा जो है 2 watt का, मैं वही रिकमेंड करूँगा। इसमें लिखा हुआ नहीं है मतलब कहाँ पे बना हुआ, मेड इन PRC है, मुझे पता नहीं कहाँ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइना को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। PRC चाइना को ही रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये उनका मतलब गिमिक है कि आप को समझ भी नहीं आएगा कि ये चाइना का है, मेड इन चाइना नहीं लिखता है, मेड इन PRC लिख दिया हुआ है। तो आप चेक कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो वो भी कर सकते हो, मतलब देख लो आप, आपकी पसंद के ऊपर है। दोस्तों बात करें इसकी बेस वगैरह की, तो बेस तो मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब उतना भी खास नहीं है। वो JBL का था ना, तो वो ज़्यादा अच्छा था, और तो प्राइस था उसका 1000 रुपये का लमसम था, और ये तो 617 रुपये का, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा मी का, वो भी मेड इन चाइना ही है, ये तो मेड इन PRC, मेड इन मतलब पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना। तो अगर आपको अच्छा लगा वो प्रोडक्ट तो आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन कीप स्माइलिंग।